कहानी के शुरुआत में यूनिक्स को दिखाया जाता है जो कि वह प्राइमस प्लेनेट पर डीएनए लाने के लिए गई होती है। वह जैसे ही डीएनए ले रही होती है तब उसे कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। तब यूनिक्स एजमत के पास कॉल करती है जिसकी वजह से एजमत गुस्सा होकर कॉल को काट देता है। तब यूनिक्स कुछ रोबोट तितलियों को इस गड़बड़ी का पता लगाने के लिए भेजती है मगर काफी देर के बाद वे रोबोट नहीं आते हैं। तब यूनिक खुद अपने जहाज से पता लगाने के लिए जाने लगती है। तभी उसके जहाज पर हमला हो जाता है जिसकी वजह से यूनिक्स घायल हो जाती है। तभी कुछ डीएन एलियन को दिखाया जाता है जो यूनिक के पास आ जाते हैं। इसके आगे ग्वेन केबिन और बैन को स्मूथी पीते हुए दिखाया जाता है। तभी एक स्पाइडर मंकी वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम सिमियन होता है। ये सिमियन बैन के साथ पहले का भी धोखा किया होता है। तब बैन उस सिमियन पर गुस्सा होने लगता है। तब सिमियन बैन से माफी मांगता है और एक बैक स्टोरी सुनाता है जिस स्टोरी के दौरान जब हाइब्रिड का वार हुआ था तब सिमियन ने वहाँ से एक कीमती चीज को चुरा लिया था और वह उसे अपने प्लेनेट पर ले जाकर अपने बॉस से बेच दिया होता है और उसका बॉस उस डीएन एलियन के कंट्रोल में हो गया होता है और वह बॉस सभी को डीएन एलियन बना रहा होता है। तभी वो सभी उस सिमियन के प्लेनेट पर जाने लगते हैं। तभी बैन एक गन लाता है जिसका नाम जेनेटिक रिपेयर गन होता है। कुछ देर के बाद वे लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं मगर वहाँ पर बहुत ठंड होती है। तभी बैन के ऑमनीटिक्स में से एक सिग्नल मिलता है जो कि यूनिक का सिग्नल होता है। तभी वो सभी यूनिक को खोजने के लिए जाने लगते हैं मगर तभी वहाँ पर डीएन एलियन चारों तरफ से हमला कर देते हैं। तभी वो सभी अपने अपने गन से उन सभी पर हमला करने लगते हैं मगर डीएन एलियन को कुछ नहीं होता है। तब केबिन उस मशीन के पावर को सोख लेता है और फिर उन एलियन से फाइट करने लगता है। उसके बाद बैन एलियन बनने जाता है मगर उसका ऑमनीटिक्स काम नहीं कर रहा होता। तब सिमियन भी उन सभी डीएन एलियन से लड़ने लगता है। तब बैन टटर एलियन बन जाता है और उन सभी एलियंस को हवा में उड़ाने लगता है। तभी बैन का ऑमनीटिक्स रिसेट होने लगता है जिसके चलते बैन अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। तभी यूनिक्स वहाँ पर आ जाती है और सारे डीएन एलियन से लड़ने लगती है। तब यूनिक ग्वेन से केबिन को ऊपर खींचने के लिए बोलती है। उसके बाद ग्वेन केबिन को ऊपर खींच लेती है और वहाँ से दोनों भागने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा सा एलियन को दिखाया जाता है। तब बैन उस सिमियन से उस एलियन के बारे में पूछने लगता है। तभी यूनिक उन सभी को एक गुफा में लाती है जहाँ पर दो स्पाइडर मंकी होते हैं। तब यूनिक बैन से अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे उन्होंने मुझे बंदी बना लिया था और उन सभी डीएन एलियन के लीडर का नाम मिजारो है। उसके बाद यूनिक बताती है कि वो किसी तरह अपने आप को बचा के वहाँ से भाग पाई है। तभी वो सभी प्लान बनाते हैं। तब बैन बोलता है कि मेरा ऑमनीटिक्स काम नहीं कर रहा है। तब यूनिक बैन के ऑमनीटिक्स को सही कर देती है। उसके बाद वे सभी चुपके से उस मिजारो के पास जाते हैं मगर मिजारो उन दो स्पाइडर मंकी को कैद कर लिया होता है। तब बैन और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद बैन सोमफार एलियन बनकर सबको जलाने लगता है मगर ग्वेन बैन को रोकती है और बोलती है कि इस तरह तो तुम पूरा जंगल ही जला दोगे। तब डीएन एलियन यूनिक को भी एलियन बना देते हैं। तब यूनिक बैन पर हमला करने लगती है। तब बैन किसी तरह यूनिक को रोक लेता है। उसके बाद बैन यूनिक को पीछे से पकड़ लेता है और उसको रिबूट कर देता है जिसकी वजह से यूनिक दोबारा अपने रूप में आ जाती है। तब बैन उस मिजारो के पास जाने लगता है और इधर ग्वेन और यूनिक उन सभी डीएन एलियन को ठीक करने का उपाय खोजने लगती है। तब बैन मिजारो को खोजने लगता है। तब मिजारो बैन पर हमला कर देता है। तब बैन स्पाइडर मंकी एलियन बन जाता है मगर बाद में बैन अल्टीमेट स्पाइडर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर मिजारो से लड़ने लगता है। तब यूनिक सभी को ठीक कर देती है। तब बैन अपने असली रूप में आ जाता है और उस एलियन को खत्म कर देता है और उसके बाद वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके अगले एपिसोड को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।